नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मुद्दे की बात में सबसे पहले बात होगी नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। जिस नोटबंदी को लेकर आज भी विपक्ष सरकार को घेरता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया और पांच जजों की बेंच में किस जज ने नोटबंदी पर सवाल खड़े किए, इसके साथ ही चर्चा होगी झारखंड के गिरिडीह जिले के स्थित प्रमुख जैन तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर की, जिसको लेकर पूरे देश में जैन समाज सड़कों पर उतर आया है और झारखंड सरकार से नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग की जा रही है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि जैन समाज इस मामले को लेकर इतना नाराज है कि वो सड़कों पर उतर आया है। लेकिन सबसे पहले बात नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। आठ नवंबर साल 2016 की तारीख आपको याद है ना? जी हां, 8 नवंबर 2016 को, यानी कि आज से करीब 6 साल पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक फैसला सुनाया और ठीक रात 8 बजे जब वो फैसला सुनाया गया तो तूफान मचा दिया गया। और ये फैसला था नोटबंदी का। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश में रात 12 से 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया, इसके बाद उसी दिन आधी रात से 500 और 1000 के नोट का चलन भारत में बंद हो गया, बैन हो गया और ये चलन से बाहर कर दिए गए। सरकार के इस फैसले से देश में काफी उथल पुथल मची। लोगों को पुराने नोट जमा करने और नए नोट हासिल करने के लिए बैंकों में, एटीएम में लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। इस दौरान कई लोगों की मौत की खबरें भी आईं। सरकार के ऐलान के बाद ऐसे भी कई मामले सामने आए कि करोड़ों की ऐसी राशि जिन्हें चलन से बाहर कर दिया गया था, वो कभी कूड़े में तो कभी नदी में बहते हुए दिखाई दिए। ऐसा भी कहा गया कि सरकार के इस बड़े फैसले से देश में काला धन खत्म होगा और नगदी का चलन कम होगा। इसका कारण यह था कि कैश सर्कुलेशन में सबसे ज्यादा था और सर्कुलेशन में जो कैश था उसे रोकना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो बैन किए गए 500 और 1000 रुपए के नोट थे वही सबसे ज्यादा चलन में थे। नोटबंदी से तात्कालिक रूप से नगदी की कमी जरूर हुई, फिर भी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट में 2016 में कई सारी याचिकाएं दायर की गई। इन याचिकाओं में जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम और जस्टिस वी नागरत्ना की बेंच सुनवाई कर रही थी। पांच जजों की बेंच ने 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया गया। कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 4-1 से नोटबंदी को सही ठहराया। 5 जजों की बेंच थी ना, इसलिए बहुमत वाला फैसला पढ़ते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि कालाबाजारी, टेरर फंडिंग जैसे अपराधों को रोकने में मदद से नोटबंदी हुई थी और अब यह प्रासंगिक नहीं है कि वो मकसद हासिल हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो। जस्टिस गवई ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि पुराने नोट बदलने के लिए मिले 52 दिन सही थे या नहीं थे। किसी भी फैसले को इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वो सरकार के द्वारा लिया। रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि नोटबंदी से पहले आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच 6 महीने तक बातचीत हुई थी। आरबीआई एक्ट की धारा 26(2) केंद्र सरकार को अधिकार देती है कि वो किसी भी सीरीज के नोट को डिमोनेटाइज कर सकती है, यानी कि हटा सकती है, बंद कर सकती है। सरकार चाहे तो सभी सीरीज को भी डिमोनेटाइज कर सकती है, यह उसके पास अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान और आरबीआई एक्ट ने केंद्र सरकार को नोटबंदी का अधिकार दिया है, उसका इस्तेमाल करने से उसे कोई रोक नहीं सकता,
वो चाहे तो कर सकती है। अब तक दो बार नोटबंदी यानी कि डिमोनेटाइजेशन के इस अधिकार का इस्तेमाल हो चुका था और यह तीसरा मौका था। आरबीआई अकेले नोटबंदी का फैसला नहीं कर सकता था। यह तो बात थी सुप्रीम कोर्ट के उन चार जजों की जिन्होंने साल 2016 में हुई नोटबंदी को वैध करा दिया, लेकिन पांच जजों में एक जज जस्टिस बीबी नागरत्ना ने पांच जजों से अलग राय रखी और नोटबंदी के फैसले पर असहमति जताई। क्योंकि यह भी देश को जान लेना जरूरी है कि एक जज जिन्होंने असहमति जताई है उन्होंने क्या कहा। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने साल 2016 में अचानक की गई नोटबंदी को गैर कानूनी माना। उन्होंने कहा कि 500 और 1000 रुपए के नोटों की पूरी सीरीज को बंद करना एक गंभीर मामला था और सिर्फ एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए केंद्र ऐसा नहीं कर सकती है। कानून के जरिए नोटबंदी की जानी चाहिए थी, ना कि नोटिफिकेशन के जरिए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के लिए आरबीआई ने स्वतंत्र रूप से काम नहीं किया और सिर्फ केंद्र के फैसले को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि आरबीआई से राय मांगी गई थी और इसे सिफारिश नहीं कहा जा सकता। नोटबंदी के कानून पर संसद में चर्चा होनी चाहिए थी। इस प्रक्रिया को सिर्फ एक गजट नोटिफिकेशन से नहीं किया जाना चाहिए था। देश के लिए इतने अहम मुद्दे को संसद के सामने रखा जाना चाहिए था। आरबीआई ने जो रिकॉर्ड पेश किए हैं उसमें केंद्र सरकार की इच्छा के मुताबिक लिखा है कि यह दिखता है कि आरबीआई की ओर से आवेदन या सिफारिश नहीं की गई। यह पूरी कवायद 24 घंटों में तैयार की गई थी। जस्टिस नागरत्ना ने यह भी लिखा है कि आरबीआई भी करेंसी की सभी सीरीज को बैन नहीं कर सकता है क्योंकि धारा 26(2) के तहत किसी भी सीरीज का मतलब सभी सीरीज नहीं है। लिहाजा केंद्र सरकार का 8 नवंबर का नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था। ये कौन कह रहे हैं? जस्टिस नागरत्ना। ऐसे में अब यह समझना जरूरी है कि नोटबंदी की जिस प्रक्रिया के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दरअसल वो क्या थी और सरकार ने इस बारे में क्या कहा। केंद्र सरकार की तरफ से आनन फानन में सुनाए गए इस फैसले के खिलाफ देश के अलग अलग हाईकोर्ट में कुल 58 याचिकाएं दाखिल की गई। इन याचिकाओं में कहा गया कि सरकार ने आरबीआई कानून 1934 की धारा 26(2) का इस्तेमाल करने में गलती की है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) किसी विशेष मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों को पूरी तरह से रद्द करने के लिए सरकार को अधिकृत नहीं करती है। यह केंद्र को एक खास सीरीज के करेंसी नोटों को रद्द करने का अधिकार देती है, ना कि संपूर्ण करेंसी नोटों को। मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने दलील रखी थी कि केंद्र सरकार खुद ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकती है, ऐसा केवल आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर किया जा सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। केंद्र सरकार ने क्या कहा अब इसे भी सुन लीजिए। केंद्र सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाली करेंसी, टेरर फंडिंग, काला धन और कर चोरी जैसे समस्याओं से निपटने की प्लानिंग का हिस्सा है और असरदार तरीका था। यह अर्थव्यवस्था के नियमों में बदलाव से जुड़ी सीरीज का सबसे बड़ा अहम कदम था। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि नोटबंदी का फैसला रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की सिफारिश पर ही लिया गया था। केंद्र ने अपने जवाब में यह भी कहा कि नोटबंदी से नकली नोटों में कमी, डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी, बेहिसाब आय का पता लगाने जैसे कई फायदे हुए हैं। केंद्र ने यह भी तर्क दिया कि अर्थव्यवस्था को हुए फायदे और एक बार लोगों को हुई कठिनाई की तुलना नहीं की जा सकती। नोटबंदी ने जाली नोटों को सिस्टम से काफी हद तक बाहर किया है। इसके बाद भी डिजिटल इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिला है। अगर इसे आंकड़ों के जरिए समझें तो अकेले अक्टूबर 2022 में
730 करोड़ का डिजिटल ट्रांजेक्शन हुआ है, यानी एक महीने में 12 लाख करोड़ रुपए का लेन देन का रिकॉर्ड है, जबकि 2016 में 1.09 लाख ट्रांजेक्शन यानी कि करीब 6,652 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन था। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में आरबीआई ने अपने तर्क दिए। सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई ने कहा कि केंद्र को सिफारिश करने के लिए आरबीआई एक्ट के तहत प्रक्रिया का पालन किया गया था। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की मीटिंग में निर्धारित कोरम का पालन किया गया था, जिसने केंद्र को नोटबंदी की सिफारिश करने का फैसला दिया था। आरबीआई ने भी कहा था कि लोगों को मौका दिया गया था जिससे लोग आसानी से अपने पैसे बदल सके, इसके लिए एक व्यापक व्यवस्था बनाई गई थी। ऐसे में इन तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नोटबंदी को सही ठहराते हुए सरकार की नीति और नियत ठीक मानी और नोटबंदी पर सवाल उठाने वाली सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। ऐसे में अब यह जरूर देखना होगा कि नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद विपक्ष का रुख क्या होता है, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। अब तमाम जो अर्थशास्त्री है वो भी सवाल उठा रहे हैं। अर्थशास्त्री क्या सवाल उठा रहे हैं कि नोटबंदी के समय जिस कैश ट्रांजेक्शन का जिक्र किया गया था वो करीब 15 लाख करोड़ के आसपास था। अब जो सरकारी आंकड़े हैं वो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि मार्केट में, बाजार में, देश में जो कैश यानी कि नकदी सर्कुलेशन में है, जो घूम रही है, वो 30 लाख करोड़ से ज्यादा हो गई। ठीक है सर। ड्रग्स रोकने की बात हुई थी, नशीले पदार्थों की तस्करी की बात हुई थी, तो आपने देखा कि किस तरह गुजरात में और तमाम पोर्ट पर जो है भारी पैमाने पर ड्रग्स पकड़ी गई। उसका क्या हुआ पता नहीं, अभी वो मामला भी चल रहा है। आतंक टेरर फंडिंग की बात जो की गई थी उसमें जरूर लगाम लगी है, वो चीजें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इतने सालों से कोई बड़ी आतंकवादी घटना फिलहाल नहीं हुई है। जैसे पहले तमाम पटाखों की तरह बम फूटते थे, फिलहाल वो वैसा नहीं देखा जा रहा है। लेकिन क्या भ्रष्टाचार से रोक लगी है, एक बात तो है। सुशील कुमार सिंधे जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने संसद में कहा है कि 2000 के नोट उन्हें बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार का और मार्केट में दिखाई नहीं देते हैं। इसे बैंकों, आरबीआई ने भी छापना बंद कर दिया है, कहीं ये डंप तो नहीं हो गए। और जब 500,000 के बंद किए जा सकते हैं तो 2000 तो और खतरनाक है, इसे बंद किया जाना चाहिए। हाल ही में अभी जो पिछला संसद का सत्र था उसमें इस बात का जिक्र किया गया था। ये क्यों किया गया, इसका मतलब 2000 के नोट मार्केट में नहीं है, जो बैंक में गए वो बैंक में है, और 30 लाख करोड़ की नकदी अगर बाजार में घूम रही है, अगर डंप है, तो सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। खैर, ये बहुत डीप जाने का विषय है, लेकिन अब विपक्षी पार्टियों को देखना होगा कि क्या अब भी वो नोटबंदी को मुद्दा बनाएंगी, अब भी नोटबंदी को कहेंगी तब, जबकि 4-1 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को सही ठहराया।